स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे GST पोर्टल पर जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किस तरह से देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट शो होता है वो अमाउंट कहाँ से आता है, ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट शो होता है उसका यूज हम किस किस तरह की लाइबिलिटी के लिए कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आईडी पासवर्ड जो आपका है आप उससे जीएसटी पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर लीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड लिखा हुआ बटन, इस बटन पर कर दीजिए क्लिक। तो मैंने कंटिन्यू टू डैशबोर्ड लिखे हुए बटन पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हुई और यहाँ पर देखेंगे आप तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और सबसे नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे तो IGST का हेड, CGST हेड, SGST हेड और सेस, ये चारों हेड आपको शो रहे हैं। और इसी हेड में आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखेंगे तो जो अमाउंट है वो आपको इस जगह पर शो होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो CGST के हेड में 15,149 रुपए और SGST के हेड में 14,737 रुपए शो रहे हैं ना। इसी तरह से यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस होता IGST का तो IGST के हेड में होता और सेस का होता तो सेस के हेड में होता। अब यहाँ पर 15,149 रुपए CGST के हेड में और 14,737 रुपए SGST के हेड में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सो रहे हैं। अब ये अमाउंट आता कहाँ से इसको जान लेते हैं। दोस्तों होता ये है कि जब हम किसी भी पीरियड की अपनी GST या 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें अपनी लाइबिलिटी भी बताते हैं, यानी जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो भी बताते हैं। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हम GST या 3B रिटर्न में ही क्लेम करते हैं। तो जब हम किसी पीरियड की अपनी GST या 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं वहाँ पर जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी बताते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। और फिर उसी रिटर्न में इन दोनों का एडजस्टमेंट भी होता है, सेटअप भी होता है। और सेटअप होने के बाद ITC से आपकी पूरी की पूरी लाइबिलिटी सेटअप हो जाती है और उसके बाद भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है तो वो अमाउंट उठकर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे पूर्व की जो हमने अपनी GST या 3B रिटर्न फाइल की थी है ना, तो उसमें ITC भी क्लेम की और लाइबिलिटी भी बताई अपनी, तो लाइबिलिटी और ITC एडजस्ट होती रही और उसके बाद ITC ज़्यादा थी, लाइबिलिटी सारी की सारी हमारी ITC से सेटअप हो गई, उसके बाद ITC बच गई तो वो ITC इस जगह पर उठकर आ जाती। तो इस तरह से जो अमाउंट है वो आपके द्वारा फाइल की गई GST या 3B रिटर्न में आप जो भी ITC और लाइबिलिटी बताते हैं उसके बाद जो ITC बच जाती है ना एडजस्टमेंट होने के बाद वो आपकी यहाँ पर उठकर आ जाती है। तो यहाँ पर यही हुआ कि हमारी इससे पूर्व की जो GST या 3B रिटर्न थी उनमें मैंने सारी की सारी लाइबिलिटी थी उसको सेटअप करा दिया ITC से और उसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गई वो CGST के हेड में सो रही 15,149 रुपए और SGST के हेड में सो रही 14,737 रुपए। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी आप किसी पीरियड के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि उस पीरियड के अंतर्गत कब कब कितने कितने अमाउंट से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हुआ, कितने कितने अमाउंट से कब कब डेबिट हुआ और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आया वो सब भी आप देख सकते हैं डिटेल में है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्विस लिखा हुआ बटन मिलेगा तो सर्विस लिखे हुए बटन पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको रजिस्ट्रेशन के बाजू में लिखा मिलेगा लेजर, लेजर पर आप कर्सर लेकर जाइए। जैसे ही आप लेजर पर कर्सर लेकर जाएंगे तो नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक किया स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई और यहाँ फर्स्ट नंबर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आई और यहाँ पर हम किसी भी पीरियड के बारे में जानकारी ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड। यहाँ आपको ध्यान रखना है पीरियड सिलेक्ट करना है लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का पीरियड आप यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी एक बार में एक साल से अधिक का आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी पीरियड है वो पीरियड आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 जनवरी 2023 से लेकर और आज की जो डेट है 18 अगस्त, मैं कर देता हूँ 18 अगस्त 2023 है ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 18 अगस्त 2023 ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया 18 अगस्त 2023 है ना। अब ये पीरियड जनवरी से लेकर अगस्त का हो गया यानी लगभग 8 महीने करीब हो गया ना। अब आपको क्या करना है, पीरियड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और मैंने आपको बताया एक साल से ज्यादा का पीरियड आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो मैंने पीरियड सिलेक्ट कर दिया, अब आपको क्या करना है गो लिखा हुआ बटन इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप गो लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी है ना। अब आपको क्या करना है स्क्रॉल करके इसको और नीचे आ जाना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 के बीच में मैं पीरियड करके आया था, तो पीरियड से रिलेटेड हमें जानकारी यहाँ पर मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की।
अब इसको कैसे समझना चलिए जानते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यानी 1 जनवरी 2023 में जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है चलिए जानते हैं ना। इसके लिए आप नीचे आइए और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने का बटन मिलेगा, इसको स्क्रॉल कीजिए। अब जब यहाँ पर देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में, तो ओपनिंग बैलेंस है सेंट्रल टैक्स के कॉलम में 30,795 रुपये और स्टेट टैक्स के कॉलम में भी 30,795 रुपये। यानी 1 जनवरी 2023 का जो ओपनिंग बैलेंस था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, वो था सेंट्रल टैक्स में 30,795, स्टेट टैक्स में भी 30,795 और इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल था 61,590 रुपये। ठीक है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है वो भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट्स हो रहा है और इस जगह देखेंगे तो दिसंबर 2022 टैक्स पीरियड में सो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी दिसंबर 2022 सो रहा है और इसके नीचे भी दिसंबर 2022 सो रहा है और इस जगह देखेंगे तो डेट एक ही है 19 जनवरी 19 जनवरी। इसका मतलब क्या है, दिसंबर 2022 की मैंने अपनी GSTR 3B रिटर्न 19 जनवरी 2023 को फाइल की थी, है ना, तो वो डेट यहाँ पर दे रही है। अब दो जगह क्यों दिखाई दे रही है वो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि देखिए यहाँ पर क्रेडिट सो रहा है और नीचे है डेबिट, यानी दिसंबर पीरियड की जब हमने GSTR 3B रिटर्न फाइल की तो कितने से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ, वो हमको इस बारे में जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए इसको समझना है तो इसको इस तरह समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर देखिए 30,795 रुपये ओपनिंग बैलेंस था और हमारा जब हमने GSTR 3B रिटर्न फाइल की दिसंबर पीरियड की तो क्रेडिट हुआ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर CGST में 37,661 से और SGST में भी इतने से ही क्रेडिट हुआ। यानी जब हमने दिसंबर 2022 पीरियड की अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल की, हम मंथली फाइलर है, तो जब मैंने मंथली अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल की दिसंबर पीरियड की तो वहां पर क्या हुआ, हमने ITC क्लेम की और जो हम ITC क्लेम करते हैं तो उतने से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो जाता है। तो 37,661 रुपये मैंने ITC क्लेम की थी CGST हेड में और इतनी SGST की हेड में क्लेम की थी, है ना, तो ये इस जगह पर दिखाई दे रही है, यानी इतने से हमारा क्रेडिट हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था 30,795 रुपये सेंट्रल टैक्स में और 37,661 रुपये हमने दिसंबर पीरियड की GSTR 3B रिटर्न में क्लेम किया, तो 30,795 प्लस 37,661 रुपये हम कर देंगे तो ये हो जाएगा अब क्लोजिंग बैलेंस 68,456 रुपये, है ना, और इतना ही हमें स्टेट टैक्स के कॉलम में भी सो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टोटल है 61,590 रुपये ओपनिंग बैलेंस था और 75,320 रुपये टोटल, यानी दोनों हेड की मिला देंगे तो 75,320 रुपये हमने क्लेम की दिसंबर पीरियड में ITC, है ना, तो उतने से क्रेडिट हुआ, तो 61,590 और 75,322 रुपये हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 136,912 रुपये, है ना। अब बात करते हैं डेबिट की, यानी इसी पीरियड की दिसंबर 2022 पीरियड की जब हमने GSTR 3B रिटर्न फाइल की तो लाइबिलिटी बताई थी, है ना, तो लाइबिलिटी से सेटअप होती है, तो ये तो ITC जो क्लेम की थी हमने वो हमारी यहाँ पर आ गई और पूर्व की जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उसमें ऐड होकर ये हो गया पूरा का पूरा अमाउंट, है ना। एडवाइस देखेंगे तो 68,456 हो गया, है ना, ये जो ITC हमने क्लेम की और पूर्व की जो आ रही थी वो मिलाकर हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने अपनी लाइबिलिटी बताई तो लाइबिलिटी थी हमारी 31,770 रुपये की CGST की हेड की और SGST हेड में भी इतनी ही लाइबिलिटी थी, तो ये जो हमने ITC क्लेम की दिसंबर पीरियड की जब GSTR 3B रिटर्न फाइल की थी तो उसमें ITC क्लेम की, पूर्व की ITC और ये ITC मिलकर एक हेड में हो गया था 68,456 रुपये और इसमें 68,456 रुपये में से हम 31,770 रुपये जो हमारी लाइबिलिटी वो माइनस कर देंगे, तो 68,456 रुपये में से जब हम 31,770 रुपये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी 36,686 रुपये। तो यहाँ पर 36,686 रुपये CGST के हेड में और SGST के हेड में भी इतना ही सो रहा है। अब 136,912 रुपये ITC क्लेम करने के बाद हमारा जो बैलेंस था 136,912 रुपये था, इसमें से यदि हम 63,540 रुपये टोटल माइनस कर देंगे तो ये 73,372 रुपये रह जाएगा ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हर पीरियड के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से जनवरी पीरियड के बारे में भी, कितने से क्रेडिट हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कितने से डेबिट हुआ और फिर उसके बाद जनवरी पीरियड की रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो CGST के हेड में इतना, SGST के हेड में इतना और टोटल इतना बचा, है ना। तो इस तरह से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर और भी आपको जो पीरियड है उस पीरियड से रिलेटेड आप यहाँ पर जानकारी लेने आए, है ना, तो यहाँ पर और पेज भी आपको मिल रहे हैं। आप सेकंड पेज पर जा सकते हैं, थर्ड पेज पर जा सकते हैं, फोर्थ पेज पर जा सकते हैं। थर्ड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जून पीरियड की हमने अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल की थी तो उसमें कितने से हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ वो जानकारी मिल रही है और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कब कितना बचा, जून पीरियड की हमने GSTR 3B रिटर्न जब फाइल कर दी थी तो उसके बाद हमारा जो बैलेंस बचा 15,149 रुपये और 14,737 रुपये CGST और SGST के हेड में और यही हमको सो रहा था ठीक है जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इससे पूर्व देखने गए थे। अब चार नंबर पर क्लिक कर देते हैं, लास्ट पेज आ गया। अब इस जगह पर जब हम देखेंगे तो 18 अगस्त 2023 की स्थिति में, अब इसके बाद कोई पेज नहीं है, तो 18 अगस्त 2023 की स्थिति में देखेंगे तो 15,149 रुपये CGST के हेड में और SGST के हेड में 14,737 रुपये अमाउंट सो रहा है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 29,886 रुपये।
है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिटेल में आकर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कि कितना अमाउंट हमारा आज के क्लोजिंग बैलेंस है, और किसी पीरियड के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि कब कब हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितने कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ, कितने कितने अमाउंट से डेबिट हुआ, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, ये हम इस तरह से देख सकते हैं ना। और इतना ही अमाउंट जब हम सबसे शुरुआत में गए थे तो वहां पर भी सेंट्रल टैक्स में इतना ही अमाउंट और स्टेट टैक्स में इतना ही अमाउंट हो रहा था। अब जानते हैं दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका अमाउंट होता है इसको आप किस किस तरह से लाइबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, पे करने के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, जो आप सेल करते हैं, है ना, और सेल करने पर जो आप ग्राहक से टैक्स कलेक्ट करते हैं वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो आउटवर्ड सप्लाईज पर जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट से सेटअप कर सकते हैं, और ये भी हेडवाइज होता है ना। सेस का जो अमाउंट है वो सेस से ही होगा, है ना, IGST का IGST से, फिर CGST से, फिर SGST से, इस तरह से इसका जो रूल है उसके अनुसार ऑटोमेटिक जब आप GST 3 फाइल करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी जुलाई महीने की मैंने GST 3 भी रिटर्न फाइल नहीं की है, जून तक की है, जुलाई महीने की जब मैं GST 3 भी रिटर्न फाइल करने जाऊंगा ना, तो वहां पर अपनी लाइबिलिटी भी बताऊंगा और ITC भी क्लेम करूंगा। तो जो मैं ITC क्लेम करूंगा, है ना, उसमें ये ITC भी ऐड हो जाएगी, उसका जो लाइबिलिटी होगी उससे सेटअप हो जाएगी, और सेटअप होने के बाद यदि ITC हमारी बच जाएगी तो वो हमें यहाँ पर सोने लगेगी इसी तरह से, है ना। और यदि हम जुलाई महीने की अपनी GST 3 भी रिटर्न फाइल करने जाते हैं और उसमें जो ITC क्लेम कर रहे हैं उसमें ये ITC भी ऐड हो जाएगी, और लाइबिलिटी ज़्यादा है तो लाइबिलिटी से सारी की सारी ITC माइनस हो जाएगी, और उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा लाइबिलिटी का वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना होगा, यानी चालान जनरेट करना होगा। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका अमाउंट हो रहा है उसको आप किस किस की लाइबिलिटी में यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज पर लाइबिलिटी बनेगी टैक्स की उससे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन किससे आप इसको सेटअप नहीं कर सकते, किस तरह की लाइबिलिटी जिसको पे करने के लिए आप इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप लेट फीस पे करने जाएंगे तो उसमें आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जब आप इंटरेस्ट पे करने जाएंगे, यदि आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बन जाती है या लेट फीस की लाइबिलिटी बन जाती है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते इस तरह की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा पेनल्टी यदि आपको देनी है तो पेनल्टी की यदि आपकी लाइबिलिटी बनती है तो उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट से एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत यदि आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसके लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। तो मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई से लाइबिलिटी बनेगी टैक्स की, है ना, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो अमाउंट है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और RCM के तहत यदि आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो अमाउंट है उसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए यानी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और RCM की जो लाइबिलिटी बनेगी उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही आप उसको पे कर पाएंगे, यानी आपको चालान जनरेट करना होगा, चालान जनरेट करने के बाद उसको पे करना होगा बैंक में जाकर, और उसके बाद वो अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा, तभी आप लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और RCM की लाइबिलिटी को पे कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।